दोस्तों ये कहानी है भारत के सबसे लंबे समुद्री रेलवे ब्रिज की, जहाँ पे हुए हादसे से कोई नहीं बच सका। आप सभी लोग ने कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है, जिसे हम पंबन के नाम से जानते हैं। ये रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत के मेन लैंड से जोड़ता है। ब्रिज की कुल लगभग लंबाई है 2.65 किलोमीटर। ये भारत का ऐसा पहला रेलवे हादसा था जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन बह गई थी और कोई भी यात्री और कोई भी रेल कर्मचारी बचा नहीं था। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखें और ऐसे ही फैक्ट्स जो आपको अमेज कर देंगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें अमेज फैक्ट्स। सबसे पहले जान लेते हैं ये पंबन का ब्रिज है कहाँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत के दक्षिण यानी साउथ में जाएंगे तो ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु के काफ़ी करीब कोने में आपको मंडपम जगह देखने को मिलेगी। यहाँ बगल में श्रीलंका भी है, लेकिन और करीब पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर रामेश्वरम आइलैंड भी देखने को मिलेगा। ये रहा इंडिया का सबसे कोने वाला हिस्सा, जिसे हम मंडपम नाम से जानते हैं। और बीच का ये जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं, यह इंडिया से समुद्र और रामेश्वरम को जोड़ने के लिए पंबन ब्रिज बनाया गया है। और सबसे कोने में ये जो हिस्सा है, यह धनुषकोडी। यहाँ से श्रीलंका बहुत ही करीब है। मान्यता तो ये भी है कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने श्रीलंका जाने के लिए धनुषकोडी से ही पैदल पुल बनाया था। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में स्थित ये पंबन का रेल ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जब दक्षिणी अंडमान सागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर होने लगी थी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंच चुका था, जो लहरों की ऊंचाई है लगभग 8 यार्ड तक पहुंचने लगी थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया था। रामेश्वरम में स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी, पर सिग्नल खराब होने के कारण और मौसम खराब होने के कारण हमारे जो लोको पायलट है उन्होंने ट्रेन को आउटर में ही रोक दिया था। जब काफ़ी देर तक उन्हें सिग्नल में कोई रिस्पांस नहीं मिला, तब उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी मारते हुए आगे बढ़े। पर वहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर इंतज़ार कर रहा था कि कब यात्री यहाँ पहुँचेंगे और वो उन्हें लेकर श्रीलंका की ओर बढ़ जाएंगे। जब ट्रेन पंबन के खूबसूरत ब्रिज पर थी, तब ट्रेन से एक ऐसी लहर टकराई जो पूरे ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई। लगभग 110 यात्री, 5 रेलवे कर्मचारी, ऐसा तो रेलवे के आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन ऐसे कई यात्री थे जो बिना टिकट के उस ट्रेन में सवार थे, किसी को नहीं मिले। यहाँ तक कि पंबन का जो मजबूत रेल ब्रिज है वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और धनुषकोडी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। रेलवे स्टेशन भी कुछ बचा नहीं था, पटरियाँ सब उखड़ चुकी थी। और इतने बड़े हादसे के बाद धनुषकोडी को सरकार द्वारा अनफिट फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया गया। भारतीय रेल की ट्रेनें केवल रामेश्वरम स्टेशन तक ही जाती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि रेलवे का नया अप्रूवल आ चुका है, जहां रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेलवे निर्माण फिर से किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाय।